सो हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। क्या हालचाल? आज 2 अप्रैल है और मैंने आज के टू डू लिस्ट को भी रेडी कर लिया है और मैं इधर एक्चुअली लेक्चर ही देख रहा था अभी। आज बहुत सारे टारगेट से करने के, तो आज कोशिश करेंगे 17 आवर्स प्लस स्टडी करने की। हर रोज अप्रॉक्स 15 आवर प्लस स्टडी करती है, तो आज कोशिश करते हैं 2 आवर और स्ट्रेच करने की। अभी मैंने 10 बजे से स्टार्ट की थी स्टडी को और अभी 40 मिनट के आसपास हमारा पहला सेशन हो भी गया है। एंड आज का मेन टारगेट है मेरा न्यूक्लियाई का चारों लेक्चर खत्म कर लेने का। 2 घंटे के 4 लेक्चर है तो इनको करना है। और अभी जो मैं ये लेक्चर कर रहा था रे ऑप्टिक्स का, इसके अंदर मैं पूरा फुल नोट्स बनाने की जगह बस शॉर्ट नोट टाइप में चीजें कर रहा हूँ और जो भी लेक्चर के अंदर सर क्वेश्चंस करा रहे हैं उनके साथ साथ प्रैक्टिस करते चल रहा हूँ। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसको करना। अभी मैं देखता हूँ काफी सारे लोग कमेंट के अंदर पूछते हैं कि अभी सिलेबस का क्या स्टेटस है, मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कितना हो गया। तो अभी मेरा सिलेबस बिल्कुल एंडिंग मोमेंट पे ही है। लास्ट के चैप्टर मैंने कंप्लीट भी कर दिए हैं, बायो के अंदर भी मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बस कुछ चैप्टर जो बीच के रह गए थे अच्छे से नहीं हुए थे या कुछ वीक टॉपिक्स हैं, तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से करने का। बाकी फिजिक्स के अंदर तो बस मेरा 2 चैप्टर रहता है सिर्फ, वो एटम एंड न्यूक्लियाई वाला। जो न्यूक्लियो आज मैं कोशिश करूंगा खत्म कर लूँ, एंड एटम वाला कल कर लेंगे तो हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। एंड रिवीजन की बात करें तो बायो को ऑलमोस्ट मैंने पूरा एक बार दोबारा से रिवीजन भी कर लिया है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ एक आध चैप्टर छूटे होंगे बीच में, और आई थिंक ऐसा सबके साथ होता होगा। बिल्कुल परफेक्टली रेडी तो कुछ नहीं होता यार, जितना करो कुछ ना कुछ बाकी रहता है। बट स्टिल कोशिश जारी है कि जल्दी जल्दी चीजों को कर पाए। अभी देखो अचानक लाइट बंद हो गया बिकॉज काफी समय से लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से पूरा लैपटॉप डिस्चार्ज होके डेड हो गया और स्ट्रीम बंद हो गई बीच में। अभी भी देख सकते हो बफर कर रहा है। और अभी मैं लेक्चर दिखाऊं कितना हुआ, तो अभी लेक्चर इधर तक हुआ है और थोड़ा सा रहता है, तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। और साइड भी साइड अभी मैं थोड़ा ये भी खा रहा था। एनीवेज अभी खत्म कर लेते हैं इसको। फिर इस वाला लेक्चर को खत्म करने के बाद मैं आगे सोचता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू कर लेने का, क्योंकि 2 घंटे के 4 लेक्चर करने हैं। एंड अब तक देखो लाइट गायब है, पता नहीं लाइट को क्या ही हो गया है। खैर अभी न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ लेक्चर को कर लेते हैं। अगर बीच में मेरे को कैसे कैसे करके टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूंगा बायोलॉजी के अंदर प्लांट किंगडम में वो करना है तो उसको भी कर लूँ। जो मैं बोला ना ऑलमोस्ट चैप्टर रिवीजन कर लिए थे, जो चैप्टर एक आध छूटे थे उनमें एक प्लांट किंगडम भी है, तो मैं सोच रहा था उसको भी कर लेने का। तो मैंने सोचा एक बार को चलो लिख ही लेते हैं आज के टारगेट में प्लांट किंगडम को, उसको भी देख ही लेंगे कैसे कैसे टाइम निकाल के थोड़ा। तो यार जब भी फुल सिलेबस टेस्ट देने जाओ मतलब कोई टेस्ट नहीं होता इसके अंदर से क्वेश्चन ना है। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का। फिर आगे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर 1 को करने के बाद टेस्ट पेपर सॉल्व करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। एंड ये मैं कर रहा होता हूँ मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज के थ्रू बैदिशा, बिकॉज यार अभी कुल आखिरी मंथ में अपन एग्जाम के। एंड कितना अच्छा होगा अभी प्रिपरेशन में जो कुछ चाहिए उन सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिशा पब्लिकेशन डज फ्रॉम इट्स वेरी यूनिक प्रोडक्ट दी टेस्ट सीरीज मिशन पॉसिबल बॉक्स। अभी लास्ट के टाइम पे क्विक रिवीजन नोट चाहिए अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, वो इसके अंदर हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लास्ट में रिवीजन तो हो जाएगा क्विक नोट से, बट प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसके अंदर, जिसके अंदर टोटल 15 न्यू सिलेबस से बेस्ट मॉक पेपर हैं। एंड इसी के अंदर ओएमआर शीट मिल जाएंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशन बुकलेट मिल जाएगी। एंड साथ में जो भी क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं, देखना चाहते हैं एनसीईआरटी किस पेज से वो क्वेश्चन आया है, उसके लिए एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी मिल जाएगा। पेपर देने के बाद ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू देख सकते हैं अपन कहां स्टैंड कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, परफॉर्मेंस एनालाइजर भी मिल जाएगा, जिससे वी कैन फाइंड आवर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। एंड अलोंग विद ऑल दिस, अभी यार चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है ना, न्यू सिलेबस पे पेपर आएगा। फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एड हुआ है एंड केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो उसके लिए इसी नीट टेस्ट सीरीज मिशन पॉसिबल बॉक्स के अंदर प्रॉपर सेपरेट बुकलेट फ्री में मिल जाएगी, जिसके अंदर ये दोनों एडिट पार्ट तो है ही, साथ में इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो लास्ट के 30 डेज में ये कंपलसरी है, बिकॉज इसको यूज करने से 10-15% मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो एक बार श्योरली इसको चेक इट आउट, मैं इसका अमेज़न लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैं शाम के वक्त एनसीईआरटी बायोलॉजी के बुक लेके छत पे आता हूं, बाहर बहुत अच्छा सा मौसम रहता है। लाइक देखो अभी एक बार को सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं प्लांट किंगडम थोड़ा रिवीजन करता हूँ ऐसे ही वॉक करते हुए। तभी अभी काफी अंधेरा हो गया बाहर और अभी दिखना ही बंद हो गया था, मोबाइल के फ्लैश जला के रीडिंग कर रहा था। अभी चलते हैं नीचे, वैसे भी दिख नहीं रहा है अभी यार, चूंकि नीचे लाइट नहीं थी इसलिए मैं छत पे जाके रीडिंग कर रहा था। बट अभी अंधेरा हो गया है बाहर तो नीचे आना पड़ा, और मैंने कुछ लेक्चर भी डाउनलोड कर लिए छत पे गया था तो। एंड इधर न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर 1 को तो कंप्लीट कर लिया था, तो ये डन है, अभी लेक्चर नंबर 2 से कंटिन्यू कर लेते हैं करना। एंड यार मैंने थोड़ा सा कोशिश किया लेक्चर करने का बाहर, बट बहुत मच्छर लग रहा था इसलिए मैं बेड पे आ गया, वो बेड वाला स्टडी टेबल होता है ना उसको लेके। तो ये मच्छरदानी के अंदर में हूँ और स्टडी टेबल जो अंदर लगा सकते हैं इसको लगा के फिर मैं देख रहा हूँ इधर, थोड़े मतलब मच्छर कम लगेंगे वरना बहुत मच्छर परेशान कर रहे थे। और लाइट लिटरली अब तक नाम निशान नहीं है लाइट का, पर चलो कोई ना, भी कंटिन्यू करते अपना लेक्चर हम। अभी फाइनली मैंने लेक्चर को इधर तक देखा है, अभी रात के 9:49 PM हो गए हैं और अभी डिनर का टाइम भी हो गया है,
तो ही मैं सोच रहा हूँ कि डिनर कर लेने का और फिर आके आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, इतना तक किया है मैंने लेक्चर को भी। फिर आगे डिनर करने के बाद चूंकि यार अब भी लिटरली लाइट नहीं आई होती है, बट स्टिल मैं बाहर बैठ के लेक्चर करना शुरू करता हूँ स्टडी टेबल पे, बिकॉज यार बेड पे अच्छे से नहीं हो पा रहा था स्टडी। मेरे को आदत है ना कि अब स्टडी टेबल पे ही बैठ के पढ़ने की हमेशा से, तो फिर मैं कहता हूँ चलो यार थोड़े मच्छर लगे भी तो लगने देते हैं बट कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो अभी मैं बाहर ही बैठ के स्टडी करता हूँ स्टडी टेबल पे इस होप में कि जल्दी लाइट आ जाए। एंड आज मेरा टारगेट था कि इस चैप्टर को तो पूरा खत्म कर ही देना, इसके चार जो लेक्चर हैं इसके अंदर, तो देखते हैं कितना हो पाता है। अभी हमारा जाके लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया पूरा, अब इसका लेक्चर नंबर 3 देख लेते हैं। और इधर लेक्चर नंबर 2 को करने में रात के 10:56 PM हो गए हैं, और इधर एक बार टास्क में नजर मारे तो प्लांट किंगडम तो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो ये भी अपना कंप्लीटेड है, और इधर लेक्चर नंबर 1 भी अपना डन है, लेक्चर नंबर 2 भी अपना डन है, 3-4 रहता है आज तो। न्यूक्लियर फिजिक्स को नहीं खत्म कर ही देना है, और यार लाइट का क्या बोले, लाइट ट्रिटरी अब तक पूरी गायब है, मतलब गजब तंग किया आज लाइट ने, बट चलो कोई ना अभी लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं करना। यार फाइनली अभी जाके हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अभी इधर समय देखे तो अभी समय हो रहे हैं रात के 1:42 AM, और इधर हमारा लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, तो चलो और एक लेक्चर रहता है इसका द न्यूक्लियर फिजिक्स को, तो इसको भी देखना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद अप्रॉक्स रात के 4 बजे जाके ये लेक्चर पूरा ख़त्म होता है, तो उसके बाद और तब तक मेरे को बहुत ही नींद आनी भी शुरू हुई होती है, तो फिर उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ। एंड इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर बाय। मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, आज फाइनली हम लास्ट 50 डेज से हर रोज कंसिस्टेंट है, इस खुशी में पूरा हर्ट से भर दो चैट को, पूरा हर्ट से, क्या बात है क्या बात है, गजब 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 गजब। और अभी काफी लोग सो भी रहे होंगे जो अभी बाद में ज्वाइन करेंगे, और बताओ बाकी क्या बात है यार, पूरा चैट में हर्ट हर्ट ही दिख रहा है।